देवभूमि उत्तराखंड, जहां के कण कण में देवताओं का वास माना जाता है और जहां पर ऐसे मनमोहक पर्यटक स्थल हैं, जो कि देश विदेश के लोगों की पहली पसंद मानी जाती हैं। ये पर्यटक स्थल प्रकृति के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही धार्मिक आधार पर भी अपनी मान्यताएं रखते हैं। उत्तराखंड की पावन भूमि में भगवान शंकर का वास माना जाता है, इसलिए भगवान शंकर की उत्तराखंड में काफी पूजा भी की जाती है। भगवान शिव का सबसे बड़ा धाम केदार धाम है, जो कि स्थित है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का वो जिला जिसका नाम भी भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। हिंदू पुराण कथाओं के अनुसार नारद मुनि को इस जगह पर भगवान रुद्र के द्वारा वरदान दिया गया था। इससे पहले रुद्रप्रयाग तीन जिलों चमोली, पौड़ी और टिहरी का एक हिस्सा हुआ करता था। 16 सितंबर 1997 में इसे अलग करके एक अलग जिले के रूप में घोषित कर दिया गया। ये शहर मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है। आज हम आपको बताते हैं रुद्रप्रयाग के 5 खूबसूरत पर्यटक स्थलों के बारे में। रुद्रप्रयाग मंदिर। रुद्रप्रयाग मंदिर का नाम प्रमुख धार्मिक केंद्रों में शामिल है, जो दो नदियों के संगम पर स्थित है, अलकनंदा और मंदाकिनी। हिंदुओं के भगवान और विध्वंस विनाश के देवता भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। उखीमठ। उखीमठ रुद्रप्रयाग जिले की एक पवित्र जगह है। माना जाता है कि इस जगह का नाम बाणासुर की बेटी उषा से उत्पन्न हुआ है। ये जगह कई हिंदू देवी देवताओं के लिए समर्पित विभिन्न मंदिरों जैसे उषा शिव, अनिरुद्ध, पार्वती और मांदा मंदिर की यात्रा का अवसर प्रदान करता है। रुद्रप्रयाग से 49 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देवरिया ताल एक सुंदर पर्यटक स्थल है। हरे भरे जंगलों से घिरी हुई यह अद्भुत झील है। इस झील के जल में गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और नीलकंठ की चोटियों के साथ चौखंबा की श्रेणियों की स्पष्ट छवि प्रतिबिंबित होती है। ये झील यहाँ आने वाले यात्रियों को नौका विहार और विभिन्न पक्षियों को देखने का अवसर प्रदान करती है। रुद्रनाथ मंदिर। रुद्रनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक धार्मिक स्थल है, जो कि पंच केदारों में से एक केदार कहलाता है। समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रनाथ मंदिर भव्य प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। इस मंदिर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव के एकानन यानी कि मुख की पूजा होती है। इसके अन्य बाकी बचे संपूर्ण शरीर की पूजा भारत के पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ के मंदिर में की जाती है। यहाँ पूजे जाने वाले शिवजी के मुख को नीलकंठ महादेव कहते हैं। त्रियुगी नारायण। रुद्रप्रयाग में स्थित त्रियुगी नारायण एक पवित्र स्थान है। माना जाता है कि सतयुग में जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया था, तब यह हिमवंत की राजधानी थी। रोचक तथ्य यह है कि जिस हवन कुंड की अग्नि को साक्षी मानकर ये विवाह हुआ था, वो अभी भी प्रज्वलित होती है। मान्यता के अनुसार इस हवन कुंड की राग भक्तों के वैवाहिक जीवन को सुखी रहने का आशीर्वाद देती है। इसी पवित्र स्थान के पास ही एक विष्णु मंदिर भी है। इस मंदिर की वास्तुशिल्प शैली केदारनाथ मंदिर की तरह है। इस जगह के भ्रमण के दौरान पर्यटक रुद्रकुंड, विष्णुकुंड और ब्रह्मकुंड को भी देख सकते हैं। इन तीनों कुंडों का मुख्य स्रोत सरस्वती कुंड है। संवाद 365 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।